हाय गाइस, वेलकम टू ब्यूटी पेटल्स। और आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ वाइट टोन फेस पाउडर के बारे में। आप वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। और आज हम बात करने वाले हैं वाइट टोन फेस पाउडर की। ये वाइट टोन फेस पाउडर है जो बहुत ही अच्छा वर्क करता है गाइस। ये और पाउडर से बहुत ही अच्छा है, बेहतर है, ठीक है। और यहाँ पे मेंशन है विथ सॉफ्ट शेड फॉर्मूला। यस गाइस, इतना ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही अच्छा फेस पाउडर है। अब इसकी अच्छाई के बारे में बात करें गाइस, इसकी बुराई तो कोई है ही नहीं। तो पहले हम, फिर भी इसकी एक ड्रॉबैक मैंने ढूंढ लिया, पर पहले हम इसकी अच्छाइयों के बारे में बात कर लेते हैं। तो गाइस, अगर इसकी अच्छाइयों की बात करी जाए तो इसको हम, पहली चीज़ तो ये है कि इसको अपन समर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, और क्या कहते हैं, ऑयली स्किन वाले इसको विंटर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं गाइस। ये और फेस पाउडर से डिफरेंट इसलिए है, आप और फेस पाउडर को लें हाथ में अपने, और इस एक हाथ में इसको लें, और अगर आप उसको चेक करेंगे तो और जो पाउडर होते हैं वो थोड़े से दरदरे से होते हैं, बट ये जो फेस पाउडर है वो बहुत ज़्यादा ही फाइन है। मतलब बहुत ही पतला, हाथों में लगाने के बाद हाथों में ही रह जाता है कुछ, तो इतना ज़्यादा फाइन पाउडर है इसका। बहुत अच्छे से आपके स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है। जब आप इसको अपने फेस पर लगाते हैं तो आपके ये फेस को एक टोन वाइट कर देता है, मतलब बहुत ज़्यादा ग्लो अप दिखता है। जो ऑलरेडी जिनकी स्किन टाइप फेयर है वो उसकी पतली सी लेयर अपने फेस पर लगा सकते हैं और बहुत ज़्यादा ग्लो देता है। जब तक आपके फेस पर रहेगा आपका फेस ग्लो करता ही रहेगा, और जैसे ही आपको स्वेटिंग वगैरह होती है ये पाउडर हट जाता है, तो आपके फेस से जो एक्स्ट्रा ग्लो होता है वो भी थोड़ा सा चला जाता है। तो हाँ, वो ये एक तरीके से कह सकते हैं जैसे अपन मेकअप लगाते हैं तो जब तक मेकअप रहता है आपका फेस ग्लोइंग लगता है, फिर मेकअप हटाने के बाद आपका फेस अच्छा नहीं लगता है ना, तो ऐसे ही ये काम करता है। बट गाइस, बिलीव मी, आप जब इसको यूज़ करते हो तो आपके फेस को ये एक टोन वाइट कर देता है। और क्या कहते हैं, इसकी फ्रेग्रेंस की बात करें तो गाइस, इसकी स्मेल बहुत ही स्वीट और बहुत ही अच्छी है, और ये दूसरे फेस पाउडर से और फेस पाउडर से बहुत अच्छा है। क्योंकि गाइस, इसका जो क्या कहते हैं पाउडर है वो बहुत ज़्यादा ही फाइन है, और इसकी स्मेल बहुत ज़्यादा अच्छी है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। और जिन्होंने अभी तक यूज़ नहीं किया है वो एक बार इसको यूज़ ज़रूर करें, ये और पाउडरों से बहुत अच्छा है। ओके गाइस, अगर आप इसकी प्राइस की बात करें तो ये है 75 रुपीज़ का, और इसकी लाइफ स्पेन की बात करें तो ये है 2 ईयर्स, और जो है ये है क्या ML, कहाँ है इसका ML, हाँ ये रहा, ये है 50 ग्राम का। ओके गाइस, ये 50 ग्राम का है और ये आता है 75 रुपीज़ का। और इसके क्या कहते हैं स्मेल की, वर्क की, सब की बात करें तो सब में परफेक्ट है, ओके है। और आप इसको रेटिंग की बात करें तो मैं इसको रेटिंग दूंगी 5 में से 5। इसका कोई भी ऐसा ड्रॉबैक नहीं है जो आपको क्या कहते हैं अच्छा ना लगे गाइस। और अगर हम बात करें ये कितनी देर तक आपके फेस पे सेट रहता है, तो गाइस अगर आप विंटर्स है तो ये आराम से 6 घंटे तक आपके फेस पे रहता है, स्वेटिंग नहीं होती है तो। और अगर आप समर्स में हैं और इसको यूज़ किया है तो ये आपके फेस पे 2 आवर्स तक हार्डली रहता है, क्योंकि स्वेटिंग की वजह से ये वॉश हो जाता है तो आपके फेस से ये हट जाता है। अदरवाइज अगर विंटर्स की बात करें तो ये विंटर्स में 6 घंटों तक आराम से आपके फेस पे रहता है, आपके फेस को ब्राइट करता है। आपको बिलीव ना हो गाइस तो एक बार इसको ज़रूर लाएं, खरीदें और अपने फेस पे अप्लाई करके देखें, आपका स्किन जरूर क्या कहते हैं वन टोन ब्राइट दिखेगी। और क्या कहते हैं, आप जब इसको यूज़ करोगे तो आपको खुद ही पता पड़ जाएगा ये कितना लाइट वेट और फाइन पाउडर है जो आपके स्किन में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। ओके गाइस, आप ये वीडियो, आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।